आज के वक्त में खास करके जब वीकेंड्स आते हैं, जैसे कि आज शनिवार है, आज का दिन या फिर रविवार, सभी लोग चाहते हैं कि एक दिन आउटिंग हो, और आउटिंग के लिए लोग प्रेफर करते हैं कि चलिए कोई मूवी वगैरह देखी जाए, सिनेमा हॉल्स में जाया जाए। लेकिन आजकल सिनेमा हॉल में जाना इतना आसान नहीं है। सिनेमा हॉल में जाने के लिए कम से कम अगर आपको अपनी फैमिली के साथ, जिसमें दो या फिर चार लोग अगर एक फैमिली में जाते हैं, तो कम से कम भी आपको 2 से 2500 रुपये चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपको टिकट्स लेनी हो, या फिर मन करे पॉपकॉर्न खाने का या फिर कोल्ड ड्रिंक लेने का, तो आपको कम से कम भी 2500 से 3000 रुपये चाहिए होते हैं। अब कारण क्या है इस 2500 से 3000 का? महंगाई तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ के सिनेमा हॉल्स हैं ना, जम्मू में काफ़ी ज़्यादा जो है सिनेमा हॉल्स देखने को मिलते हैं। वेव मॉल में आप 3 सिनेमा हॉल्स देखेंगे, अप्सरा सिनीप्लेक्स में भी 2 सिनेमा हॉल्स हैं। इसके साथ साथ आप केसी सेंट्रल में चले जाएंगे, वहाँ पर भी 3 सिनेमा हॉल हैं। एक हरी थिएटर है जो पुराना स्टाइल का अभी भी चल रहा है। इसके साथ साथ अब नया पाम आइलैंड भी खुल चुका है। पाम आइलैंड के अंदर प्लेटिना मूवी सिनेमाज हैं, जिसके अंदर भी 3 सिनेमा हॉल्स हैं। लेकिन इन सिनेमा हॉल्स के इतने ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी इनके जो रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं इनके रेट्स के ऊपर। अगर हम केसी सेंट्रल की बात करें, तो केसी सेंट्रल में 160 रुपये की टिकट मिलती है, जो भी आप देखने जाए मिनिमम। इसके साथ साथ पाम आइलैंड की बात करें, तो यहाँ पर जो ऑडी 2 और ऑडी 3 है, यहाँ पर 250 और 280 रुपये की टिकट है। और अगर आपने ऑडी 1 में देखना है, जो कि इनकी प्लेटिनम क्लास है, उसके अंदर 900 रुपये टिकट है। इसके साथ साथ अगर वेव मॉल की बात की जाए, तो वेव मॉल में 160 रुपये, 210 रुपये और 230 रुपये ये टिकट होंगी। और साथ में अप्सरा सिनेमा की बात की जाए, तो 180 रुपये है और 250 रुपये है। और अगर 3D में मूवी हो, तो आप इनमें 50 रुपये या 30 रुपये और जोड़ लीजिए। ये रेट्स हैं जो हर एक सिनेमा घर में अलग अलग रेट्स मिल रहे हैं। मूवी वही होगी, पर्दा वैसा ही होगा, शायद साउंड क्वालिटी का कोई फ़र्क हो, लेकिन रेट्स इस तरह से आपको डिफर मिलेंगे। इसी चीज़ को लेकर एक PIL भी फाइल की गई है, जिसके अंदर डिविजनल बेंच ने नोटिस भी जारी किया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को और साथ में सिनेमा घर के जो ओनर हैं उनको। और उनका ये कहना है कि एक तो आप रेट्स के ऊपर चेक किया जाए, और साथ में जो बाहर से ईटेबल्स लाने के लिए मना किया जाता है, उसके ऊपर भी PIL है कि बाहर से भी लोग जो है ईटेबल लेके जाया जा सके, जिसको लेकर नोटिस दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एडवोकेट आदित्य जी, उनसे बात करेंगे। आदित्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक तो हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्ट इस PIL के अंदर क्या चीज़ फाइल की गई है। हाँ जी, ये PIL जो फाइल की है, ये 2 प्रैक्टाइजिंग एडवोकेट्स थे हमारे J&K हाईकोर्ट के, भविष्य सुदन और सिद्धार्थ आनंद, उनके कहने पे हमने ये की है। इस PIL का हमारा मेन मोटिव जो था, जो सिनेमा रूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं उसको स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाए लेटर एंड स्पिरिट के साथ। अब देखा जाए क्या है कि सिनेमा रूल्स में क्या लिखा गया था। सिनेमा रूल्स में लिखा गया था कि जो टिकट प्राइजेज हैं थ्रू आउट द स्टेट, देर हैज़ टू बी यूनिफॉर्मिटी विद रिस्पेक्ट टू द सेम। वो हमारी स्टेट में है नहीं। आप देखेंगे कि जो गांधीनगर का जो सिनेमा हॉल है वो 150 रुपये, जैसे आपने कहा छन्नी वाला 200 लगा रहा है, जो नया खुला है उसने तो 900 रुपये पर पहुँच चुका है। तो देयर हैज़ टू बी सम चेक। उसके लिए ये सिनेमा रूल्स बनाए गए थे, जिसकी सारी पावर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी गई है। मगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो अपनी जगह पर, मुझे लगता है कि सोए हुए हैं, या किसी ना किसी को तो हमें लगता है कि उठ के उनको जगाना था, और इसलिए हमने ये PIL फाइल की है। इसके साथ साथ जो एक ईटेबल्स की भी बात है इस PIL के अंदर, उसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि बाहर से कुछ लेके जा नहीं सकते आप। और एक सैंडविच, अगर मात्रा आपने भी नोटिस किया होगा, एक सैंडविच 150 रुपये का मिलता है, 150 रुपीज़ का एक सैंडविच है। और सिर्फ जो एक कोक अगर बाहर से 35 रुपये की बोतल है, उसी बोतल को एक गिलास के अंदर डाल के 150 रुपये का दिया जाता है। इसके ऊपर भी क्या PIL में फाइल किया गया? जी हाँ, ये PIL हमने 2 मोटिव्स के साथ किया। फर्स्टली इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सिनेमा रूल्स, सेकेंडली जैसे आपने कहा कि बाहर के खाने को अंदर अलो किया जाए। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? आपने देखा होगा यहाँ पे हमारे जो सिनेमा है ये सिर्फ कोई यंगस्टर्स के लिए नहीं है, ओल्ड एज पर्सन्स जो थोड़े बीमार हैं बेचारे, उनको डॉक्टर्स भी कहते हैं आप अपना एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए, यू कैन गो एंड एंटरटेन यूर सेल्फ। अब जो जाते हैं, इनको डॉक्टर की एडवाइस होती है कि आफ्टर एवरी 1 आवर या हाफ एन आवर दे हैव टू कंज्यूम सम न्यूट्रिशियस डाइट। अगर ये जाते हैं, क्या ये वहाँ पे जाके पॉपकॉर्न खाएंगे? क्या ये सैंडविच खाएंगे? 3 घंटे के लिए आप उनको एक सिनेमा हॉल के अंदर बंद कर दोगे और बोलोगे कि बस आपके पास यही जो है ये जंक
फूड ही खाने के लिए दिया जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। तो इसको भी हमने मद्देनजर रखते हुए इस पॉइंट को भी एजिटेट किया हुआ है, ताकि जो बाहर का खाना, हम नहीं कहते कि हाँ आप हमें घर से अलो कर दिया जाए कि परांठे लेके जाना है या वैसा कुछ, एटलीस्ट यू कैन अलो देम टू टेक फ्रूट्स विद देम, एटलीस्ट सम न्यूट्रिशियस डाइट, सम कैश्यू नट्स या समथिंग लाइक दिस, जिनसे उनकी न्यूट्रिशियस वैल्यू जो है वो कम से कम पूरी हो सके। तो इस मैटर को भी हमने एजिटेट करने के लिए इन दो पॉइंट्स पे हमने ये पीएल की। अदिति जी, अब डिविजनल बेंच की तरफ से क्या नोटिस इशू किया गया है? डिविजनल बेंच ने इनको नोटिस इशू किए हैं, ये परसों किए गए थे इनकी तरफ से सभी सिनेमा हॉल ओनर्स को, एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, क्योंकि वो सोए हुए हैं, उनको जगाना था। तो इनमें इन सबको कहा गया है कि इस तरह से दो मैटर्स पे एजिटेट करके इन लोगों ने पीएल फाइल किया है, आपका इस बारे में क्या कहना है? दे हैव टू से ओनली इन येस और नो विद सम प्ली, वॉट एवर दे वॉन्ट टू टेक। अगर ये नो कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते इसको इम्प्लीमेंट क्योंकि हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, तो रूल्स में ऐसा प्रोवाइड नहीं किया कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर रेस करो, आप टिकट के प्राइजेस स्काई हाई रेटेड कर दो, वैसा हो नहीं सकता। सिनेमा रूल्स को इम्प्लीमेंट करना ही करना है, वो इनकी मजबूरी है। तो मुझे लगता है कि हम इसको एक लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे और आपको बहुत जल्द एक अच्छी न्यूज़ मिलेगी कि यूनिफॉर्मिटी विद रिस्पेक्ट टू द रेस एज वेल एज बाहर के खाने को हम अंदर लो करवा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। शुक्रिया सर जी। अब बात की जाती है छोटे छोटे इश्यूज़ की। काफ़ी बार हम ये इशू रेज़ करते हैं और ऑडियंस का, हमारे जितने भी ऑडियंस है, जम्मू के जितने भी लोग हैं, वो इस चीज़ के लिए काफ़ी जेके मीडिया की प्रेज़ भी करते हैं कि हम छोटे छोटे इश्यूज़ को उठाते हैं। और इशू उठाएं भी क्यों ना, क्योंकि जब आप कहीं पे भी जाते हैं, अगर आप किसी भी वीकेंड पे इंजॉय करने जाएंगे, तो या तो आपके जेब में होना चाहिए 3,000 रुपये या फिर 4,000 रुपये, तभी आप अपनी फैमिली को एक कोई भी फिल्म दिखा सकते हैं। लेकिन और अगर आपके पास ये इतने पैसे नहीं हैं, तो आप सोचिए मत मूवी देखने जाने का, क्योंकि एक तो टिकट्स, ऊपर से अगर आपके साथ बच्चे जाएंगे तो बच्चों ने पक्का ही ये चीज़ तो ज़िद्द करेंगे कि हमने पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक पीनी है। तो अगर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक भी लेने पड़े, तो आप देख सकते हैं कि कितना खर्चा आएगा। और एक चीज़ और इसके अंदर मैं ऐड करना चाहूँगा, आज जो मूवीज़ की जो ग्रेडिंग आ रही है, खास करके जो ए ग्रेड मूवीज़ होती हैं, आज काफ़ी सारी मूवीज़ जो हैं वो सिनेमाघरों में लगती हैं, जिसके अंदर पहले एक प्रावधान था कि 18 साल के कम बच्चों को 3 बजे से पहले तक का कुछ शो नहीं दिखाया जाएगा, जो एक रूल्स बनाए गए थे। और ख़ास करके जो ए ग्रेड मूवीज़ होंगी उनके लिए बच्चों को टिकट्स नहीं दी जाएगी। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। आज चाहे आप बात करें वीरे दी वेडिंग की, जिसके अंदर काफ़ी सारे अश्लील चित्र हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे अश्लील ऐसे शॉट्स हैं जो कि धड़ल्ले से लोग वहाँ पे देखने जा रहे हैं, और उसके अंदर कोई नहीं देखा जा रहा कि 18 साल से कम बच्चे जा रहे हैं या 18 साल से जो भी उनकी एज लिमिट है, उसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। धड़ल्ले से टिकटें बिक रही हैं और धड़ल्ले से लोग वहाँ देखने जा रहे हैं। इस चीज़ का भी चेक होना चाहिए, और साथ में जो ये चीज़ें हैं इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जो रेट्स हैं आज, आप टिकट्स के रेट्स देख लीजिए, वो आसमान छू रहे हैं। ठीक है, आपने बड़ा अच्छा सिनेमा बनाया है, बहुत अच्छा आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो टिकट है वो 900 रुपया हो या फिर 280 रुपये हो या फिर 250 रुपया। एक यूनिफॉर्मिटी ज़रूर होनी चाहिए सभी सिनेमाघर्स में कि कितने रुपए की टिकट आपको, जो एक एक सेट आप उसका प्राइस बना लीजिए, ताकि सभी सिनेमाघरों में ये टिकट जो है लागू की जाए। अब इसके अंदर डिविजनल बेंच की तरफ से इशू तो नोटिस किया गया, अब देखते हैं कि कहां तक इस इशू को जो है माना जाता है और किस तरह से वो आगे जवाब देते हैं। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चरोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी ऐसा इशू जो एड्रेस नहीं किया जा रहा, आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम लोग ज़रूर आपका इशू एड्रेस करेंगे। देखते रहें जेके मीडिया।